हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको किसी मंदिर नहीं, लेकिन मंदिर से कम भी नहीं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये ऐसी जगह मैंने पूरे वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में नहीं देखा है। तो आपको ये जगह कैसी लगती है, अगर कमेंट करने का मन करेगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपके भारत में है क्या क्या चीज़ें ये सब जानिए तो सही, और इन सब जगहों को देख करके आपको बहुत ही प्राउड फील होने। वेलकम टू, पूरा इंट्रोडक्शन सोच में बाद में दूँ, पहले आप अगर बता सकते हैं तो बताइए कौन सी आर्ट यूज़ की गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज़, ये मेरी सिस्टर है। फेस नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन है मेरी सिस्टर और यहाँ पे वर्क करती हैं एज अ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। और मैडम मुझे पूरा घुमाने वाली हैं, पूरा दिखाने वाली हैं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये कौन सी जगह है जो बहुत ही क्लीन, काफ़ी अच्छी। पीछे आप पेंटिंग देख सकते हैं, पूरी पेंटिंग अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बुद्धा आर्ट है जो कि वॉल पर किया गया है, और वॉल को पे जो रॉक होते हैं उसको कट करके किया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। जिस समय तिब्बत पर चीन का अटैक हुआ, उस समय तिब्बत में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन इसके साथ साथ ही वहाँ का एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सिस्टम पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग दलाई लामा के साथ इंडिया में एज अ रिफ्यूजी आए। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के रीजन जैसे हिमालयी रीजन, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, यहाँ के भी बच्चे तिब्बत में जाके एजुकेशन ले रहे थे, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, वो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे। इंडियन प्रेसिडेंट ने तिब्बती स्टूडेंट्स और तिब्बती लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए इस संस्था का निर्माण किया। और पहले ये संस्था संपूर्णानंद के एक स्पेशल विंग के रूप में काम करता था, लेकिन अभी ये यहाँ से सेपरेट हो चुका है और इसकी अपनी एक अनोखी बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा बुद्धा आर्ट, तिब्बती आर्ट को मतलब दिमाग में रख करके पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। और काफ़ी साफ़ सुथरी, काफ़ी शांति है इस बिल्डिंग में। जब भी आप इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी शांति देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो हमारा जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, इनके ट्रेडिशन के बेसिस पे ही यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। और उसके साथ साथ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, साहित्य, काव्य, चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो हमारे पुराने नालंदा वगैरह के जो आचार्य थे, उनके जो लिखे हुए ग्रंथ थे, और जो बुद्धा के जो लिखे हुए उनके उपदेश थे, वो सारे जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक विलुप्त हो चुके हैं, या फिर वो प्राकृत या संस्कृत लैंग्वेज में है। तो उनको भी यहाँ पे अनुवाद किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है तिब्बती लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। आप ग्रीनरी देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे तो इस जगह पे आपको पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे यूनिवर्सिटी का आपको मैप देखने को मिलेगा, और इजीली आप कहीं भी किसी भी रूम में, किसी भी विंग में आप जा सकते हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म में रहते हैं जब वो क्लास में रहते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल की भी अरेंजमेंट है, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। कई तरह के खेल वगैरह भी होते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी बहुत तरह के होते रहते हैं, और बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पूरा एटमॉस्फेयर है, तो जिसकी वजह से बच्चे खुश तो होना ही है बच्चों को। अभी तक तो आप यूनिवर्सिटी पूरी बाहर से देखे थे, कितना सुंदर थी, कितनी साफ़ सुथरी थी, कितनी ग्रीनरी थी। अब आपको मैं इंस्टीट्यूट पूरा अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा है। इस बिल्डिंग को बनाने में डिफरेंट टाइप्स के जो तिब्बतियन फेमस आर्ट हैं, वो सब कुछ सारे के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट जगह, जैसे कि स्टोन कार्विंग आपको देखने को मिलेगा, म्यूरल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, और जो थांगा पेंटिंग जो कि तिब्बत का सबसे फेमस पेंटिंग है, ये देखिए, ये है म्यूरल पेंटिंग, जिसको भित्ति चित्र भी कहते हैं। कमल का फूल जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक पवित्र चिन्ह है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तिब्बत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे फेमस आर्ट, मंडल आर्ट। यहाँ पे इसे सीलिंग पे किया गया है, लेकिन तिब्बत में लोग इसे सैंड पे भी बनाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे इसके फ्लोर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी में कौन सा पार्ट आपको सबसे सुंदर लगा, सबसे बेस्ट लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।